सभी को राम राम दिल से, मैं तुम्हारा भाई अंकुश। तो दोस्तों मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बताने के लिए कुछ। अब बहुत कमेंट्स आ रही थी, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि भाई आप वीडियोज़ क्यों नहीं बना रहे हो, भाई इतनी लेट वीडियो क्यों निकाल रहे हो। तो भाई एक छोटा सा रीज़न है कि अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, और हॉस्पिटल में क्यों हूँ क्योंकि मेरे पापा की तबीयत ख़राब है, उनके साथ में हूँ हॉस्पिटल में, तो इसी कारण की वजह से वीडियो नहीं आ पा रही। तो वीडियो ना आ पा रही मेरे को इस बात का इतना सा भी दुख नहीं है, दुख इस बात का होगा अगर आप मेरे को छोड़ कर चले जाओगे इस हालत में अकेला, क्योंकि सब लोग सोचेंगे अब तो हम कुछ वीडियो नहीं ला रहा, क्या फ़ायदा हम कुछ के साथ रहने का। तो भाई इसलिए मैं 3-4 दिन से घर यहीं पर हूँ। पापा तो एडमिट 10-15 दिन से हैं, कभी मम्मी यहाँ पर रह लेती है कभी मैं, तो अभी मैं ही हूँ 3 दिन से यहाँ पर। पापा की तबीयत ख़राब हो जाने से तो मैं घर पे भी नहीं गया, अभी यहीं पर हूँ, तो इसी वजह से वीडियो नहीं आ पा रही है। बस मेरे को यही बताना था, तो प्लीज़ कोई भी मेरे को छोड़ करना चला जाए प्लीज़ अनसब्सक्राइब ना कर दे कि अंकुश अब वीडियो नहीं बना रहा। बस थोड़ा सा टाइम तो दोस्तों, मैं बहुत जल्दी फिर जाऊँगा वीडियोज़ लेकर। और चलो ठीक है, दिखाता हूँ आपको, पापा से मिलवाता हूँ, अभी बेटर है, पहले से ठीक है, अच्छे है, पहले से हेल्थ अच्छी है। और आप लोग की दुआएं चाहिए, प्यार चाहिए। चलो मैं आपको दिखाता हूँ पापा को, आओ लो। हाय कर दो, घर घर दिखा दो ना, सही है मम्मा डैडी, तब टेंशन ले लेंगे। ठीक हो ना, बढ़िया हो ना, और इतनी सी भी टेंशन मत लो, सही हो जाएंगे ना भाई, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब तो ना बढ़ी दर्द, चलो ठीक है बिल्कुल। तो दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने पापा से मिलवा दिया। एक बार को तो पापा ऐसे कर रहे थे, साला क्या कर रहा है, पिटेगा क्या, यहाँ भी शुरू हो गया। तो दिल पर हाथ रख के मैंने आप लोगों को दिखाई दिया डैडी को, डैडी ठीक है, इट्स ओके है, कोई बात नहीं। बस भाई यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि छोड़ के मत जाना, ये मत सोचना कि अंकुश अब नहीं आने का, अंकुश बहुत जल्दी आएगा। और लव यू एंड पापा की टेंशन ना लो, पापा ठीक हो जाएंगे, बस थोड़ी सी दुआ कर लो कि जल्दी ठीक हो जाए, हो तो जाएंगे ठीक बट जल्दी ठीक हो जाए यार, रिक्वेस्ट कर लो गॉड से। लव यू एंड और क्या बोलना था, क्या बोलना था, और वीडियोस देखो इतने जो पुरानी है वो देखो ना, अगर देख लियो तो क्या बोलूँ, हाँ इंस्टाग्राम पर आ जाओ, इंस्टाग्राम पर बातें कर लेते ठीक है। और बस ये अभी रूम में हूँ भाई मैं, एक ये रूम, ये हमारा सामान, यहाँ पर मैं बैठा हूँ, पापा उधर है अंदर, जब अभी दिखाया मैंने थोड़ी सा अकेला महसूस कर रहा था, सोचा आप लोगों से बातें कर लूँ, आप लोगों को मिलवा दूँ पापा से, है ना। और तो कुछ नहीं बोलना, लव यू, प्यार तो मैं करता हूँ बहुत सारा आप लोगों से। हाँ मम्मी और पापा ठीक है, मम्मी को बोलना है,
अपने सभी मम्मी अब पापा ठीक है, टेंशन मत लेना, अभी पापा को दिखा दिया मैंने, ठीक है, रिक्वेस्ट करके डॉक्टर से वही। एंड सभी पड़ोसी हो, जितने भी मेरे पड़ोस के हैं, तुम भी टेंशन न लो, पापा ठीक है, ज़्यादा मत सोचो अब, ठीक है, ठीक हो जाएंगे, अब बाबू ठीक करके लाएगा घर पर, है ना। हाँ स्वीटी, तू भी फ़ोन कर रही थी पापा की, जितने बजे पापा ठीक है, ठीक है, तुमने देखे डैडी अब बिल्कुल ठीक है, हाई करवाया मैंने, बस यही सब से बोलना था। तो हो सके तो मम्मी कल आ ही जाएगी वो तो। और हाँ, YouTube एंड इंस्टा फैमिली, YouTube फैमिली मुझे अकेला मत छोड़ना, कमेंट करते रहना, मैसेज करते रहना, मैं रिप्लाई भी देता रहूँगा अगर टाइम मिलेगा, जैसे भी, वेट करना नेक्स्ट वीडियो का। ओके, लव यू, बाय बाय।